नमस्कार दोस्तों, एएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय शर्मा, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बीडी सुरेश का 5 नंबर का चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे धूमकेतु क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या है, और सूरज की जो संरचना है, सूर्य की जो संरचना है उससे क्वेश्चन आते हैं, क्रीट क्या होता है, फ्रेनहोफर रेखाएं क्या होती हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको भाई 2019 में सरकारी नौकरी मिले और आपका सपना पूरा हो, उसी उम्मीद के साथ हमने वीडियो सीरीज चालू करी है। और आप देख रहे होंगे कि जैसा कि मैंने वादा किया था, एक वीडियो डेली तो मैं लाऊंगा ही, और मैं डेली डेली एक एक दो दो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरे को जैसे ही समय मिलेगा मैं ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, और बने रहिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, काम पसंद आ रहा है, तो लाइक तो बनता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कहीं दिक्कत है, कहीं कमी है, तो डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे पता चले, और कमेंट में लिखें कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, कि उस चीज को मैं सुधारूं। क्योंकि दोस्तों, इम्प्रूवमेंट की जरूरत हर व्यक्ति के लिए होती है, और जैसा कि मैं जानता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो कमेंट में जरूर आप करें, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और भी इस टाइप के वीडियो आपके लिए लाऊंगा, जिससे आपके फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम देख रहे थे कि भाई सौरमंडल होता क्या है। सौरमंडल मैंने बताया था कि भाई जो सौरमंडल होता है, एक केंद्र होता है, सूरज जो केंद्र होता है उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, उसे हम सौरमंडल कहते हैं। और मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में एक व्यक्ति थे जिनका कहना था कि जो पूरा हमारे सौरमंडल का जो केंद्र है वो पृथ्वी है, और उसके चारों तरफ सभी ग्रह और तारे चक्कर लगा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इसके बाद हमको किसी ने बताया कि जो केंद्र होता है वो सूरज है, और सूरज के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, कॉपरनिकस, उनका नाम है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने हमको बताया कि सूरज केंद्र होता है और उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। और जो टॉलोमी है, टॉलोमी ने हमको क्या बताया था कि पृथ्वी केंद्र है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉलोमी का क्या कहना था, कॉपरनिकस का क्या कहना था, ठीक है। और गति, मतलब ग्रहों की गति से संबंधित को अगर नियम दिए हैं, वो किसने दिए, केपलर ने दिए, ठीक है। दोस्तों, इतना हो चुका था, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो टॉपिक देखिए क्या क्या हमको आज कवर करना है और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्षुद्र ग्रहों की हम बात करते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में समझा था कि भाई जो हमारे ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच छोटे 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 ग्रह होते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं, ग्रहों को डिसाइड करते हैं कि कौन से आंतरिक ग्रह हैं और कौन से बाह्य ग्रह हैं। कल हमने वीडियो में बताया था आपको, चलो इन्हें आवंतर भी कहते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि भाई आवंतर किन दो ग्रहों के बीच में होते हैं, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर हमने तो आवंतर पढ़े ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपको याद रखना है कि क्षुद्र ग्रहों को आवंतर कहते हैं। और आप लोग जानते ही हो कि भाई क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है एग्जाम में, अगर पूछे सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, वो है सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, सेरेस। तो आपको इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, जो सेरेस है वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ये किसने बताया था, गिसेप्पे प्याजी। गिसेप्पे प्याजी करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया हमको, खगोल वैज्ञानिक है, कि जो सेरेस है वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। तो भाई ब्रह्मांड में तो बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, और ये हमारे जो सौरमंडल में है, सबसे ज्यादा आपको क्षुद्र ग्रह कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलते हैं। तो पहला सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसको हम बोलते हैं सेरेस। और इसके अलावा भी दो और क्षुद्र ग्रह हैं, एक तो एरिस और दूसरा बेस्टा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एरिस क्या है या बेस्टा क्या है, तो याद रखना एक क्षुद्र ग्रह है। और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं भाई, ऐसे पिंड जो एक नियमित कक्षा में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई धूमकेतु क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज कॉमेट्स। तो ये जो धूमकेतु क्या होता है आपको समझिए, दोस्तों हमारे जो ब्रह्मांड में है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गैस के गोले हैं, ठीक है, जिनमें बर्फ रहती है और इसमें धूल के कण होते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो ये हमारा सूरज है, ये यहां बना के बताता हूं आपको, ये सन है। अब सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है,
जब भी क्या होता है कोई पिंड, ऐसे ऐसे क्या होते हैं ब्रह्मांड में हमारे इस टाइप के पुच्छनुमा, ऐसे ऐसे धूल के कण जिसमें धूल रहती है, जिसमें बर्फ रहती है, ये क्या होते हैं ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूर्य के चारों तरफ। जब भी क्या होता है सूर्य के निकट आते हैं, ये सूर्य के निकट आते हैं तो ब्रह्मांड में हमको चमकीले चमकीले नजर आते हैं, ठीक है, और ये पूंछ जैसे दिखाई देते हैं, पूंछ जैसे, इसलिए इन्हें पुच्छब तारे भी कहते हैं। कैसे लगते हैं ब्रह्मांड में, ऐसे लगते हैं कि पूंछ ऐसी पूंछ रहती है ना, वैसी पूंछ जैसी हो, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं पुच्छम उच्छल तारे भी कहते हैं। और ये जो धूमकेतु होते हैं ये जब सूर्य के निकट आते हैं एक इनका निश्चित आवर्तकाल होता है, कई सालों में एक बार दिखते हैं। तो एक बहुत ही फेमस धूमकेतु है जिसका नाम है हेली। इससे क्वेश्चन भी आता है कि भाई जो हेली है बहुत ही फेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए धूमकेतु है जो 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, 76 वर्ष में जिसका आवर्तकाल कितना है 76 वर्ष, ठीक है, याद रखना। हेली क्या है, एक धूमकेतु है जो 76 वर्ष में एक बार नजर आता है, ठीक है। और ये होते क्या है, ये धूल के कण होते हैं, धूल होती है, इसमें आइस होती है, ठीक है, गैस के गोले होते हैं, जब ये सूर्य के निकट आते हैं तो चमकीले दिखाई देते हैं आसमान में, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं धूमकेतु कहते हैं, ठीक है। एक और भाई धूमकेतु है, ये तो हेली बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद एक सुमेवर है लेवी, सुमेवर लेवी 9 करके एक धूमकेतु था जो बृहस्पति ग्रह से टकरा गया था, ठीक है। ये जो सुमेवर लेवी 9 करके एक इसको नाम दिया गया था धूमकेतु, ये 1994 की बात है, ये बृहस्पति ग्रह से जाके टकरा गया था जिस कारण बृहस्पति ग्रह में बहुत बड़ा खोल गड्ढा देखने को मिलता है। आपको जो मैंने बताया था बृहस्पति ग्रह में गड्ढे हैं, तो 1994 में सुमेवर लेवी 9 का एक धूमकेतु था जो बृहस्पति ग्रह से टकराया था, आप लोग याद रखना। फिर आज इसके बाद हम बात करते हैं उल्का एवं उल्कापिंड। दोस्तों आप लोग जानते हो कोई भी जब तारा होता है जन्म लेता है और वो एक दिन क्या हो जाता है उसका अंत हो जाता है, तो वो टूटता है, तो उसमें से कुछ आग के गोले कुछ चट्टान टाइप की जो रहती है, ठीक है, वो ब्रह्मांड में चक्कर लगाती रहती है, उन्हें जो सॉलिड हो जाता है उन्हें उल्का पिंड कहते हैं, और जो सॉलिड नहीं रहते जो आग के गोले होते हैं उन्हें उल्काए कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी पर भी गिर जाती है जिसके कारण कहीं कहीं पर पृथ्वी पर भी गड्ढे हो गए हैं। तो ये उल्का और उल्काए पिंड क्या होते हैं, जो तारों से टूट जाते हैं अक्सर हमारे ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं उन्हें उल्का और उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा क्षुद्र ग्रह क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, उल्का एवं उल्का पिंड क्या होता है। अब हम सूरज के बारे में समझ लेते हैं। ये जो सूरज है एक तारा है, ठीक है, ये क्या है तारा। आप लोग सभी लोग जानते हो तारे के पास क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है और क्या होता है ऊष्मा होती है। ये कहां से आती है, सूरज में 70% तो क्या होती है हाइड्रोजन होती है और बाकी 30% क्या होती है हीलियम होती है, ठीक है। हाइड्रोजन से हीलियम बनती है तो उसमें एक क्रिया होती है जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन एक क्रिया होती है जिसके कारण नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है सूरज के अंदर से प्रकाश और रोशनी निकलती रहती है, ठीक है। अगर हम एक बात बात करें जो सूरज है पूरा हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है 25 करोड़ वर्ष में, देख रहे हो आप दोस्तों सूरज के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं और सूरज और सभी ग्रह भी हमारे आकाशगंगा के चक्कर लगाते हैं 25 करोड़ वर्ष में। इसे हम क्या कहते हैं 25 करोड़ वर्ष में अगर चक्कर लगाते हैं इसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष, याद रखना आप लोग, ये ब्रह्मांड वर्ष होता है जिसमें सूरज और सभी ग्रह क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं हमारी आकाशगंगा के। और सूरज का प्रकाश पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है, तो दोस्तों ध्यान रखना 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, याद रखना 8 मिनट 16.6 सेकंड। और सूरज की बात करें जो कोर होता है मतलब सूरज के अंदर जो बीच में होता है सेंटर में उसे कोर कहते हैं, और कोर का तापमान कितना होता है 15 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। अब सूर्य की संरचनाओं की बात करें, सूरज के बारे में हम जानकारी जुटाते हैं क्या क्या है। पहले सौर ज्वालाएं होती है, ये क्या होती है सौर ज्वालाएं सूरज की भारी सतह से निकलने वाली उठने वाली ज्वालाओं को हम क्या कहते हैं सौर ज्वालाएं कहते हैं, जो भारी सतह से निकलती है। सिंपल सा है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्णमंडल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वर्णमंडल क्या होता है,
क्रीट क्या होता है, फ्राउनहोफर रेखाएं क्या है, सौर कलन क्या है, सौर पवन क्या होती है, ध्रुवीय ज्योति क्या होती है। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, सौर कलन क्या होता है। दोस्तों सौर कलन वो होता है जो सूरज के अंदर काले काले आपको धब्बे देखने को मिलते हैं, काले काले धब्बे सूरज के अंदर। ऐसी कई जगह होती है जहां से, जहां पर नाभिकीय संलयन नहीं होता, वहां से प्रकाश निकलना बंद हो जाता है, वो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, वो 11 वर्ष में एक बार दिखाई देते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सौर कलन कहते हैं। फ्राउनहोफर रेखाएं क्या होती है दोस्तों, ये सूर्य के अंदर निकलने वाली रेखाओं को, सूर्य के अंदर से जो रेखाएं निकलती हैं उसे हम कभी कभी निकलती है, उन्हें हम फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, सोचो किरीट क्या होता है। किरीट, व्हाट इज किरीट, किरीट क्या होता है हम देख लेते हैं। सूरज के अंदर क्रोमा होता है, क्रोमा, और क्रोमा में से क्या होती है, एक्स किरणें, क्रोमा में से एक्स किरणें निकलती है, एक्स किरणें निकलती है क्रोमा में से, क्रोमा में से एक्स किरणें निकलती हैं, उत्सर्जित करने वाले बाह्य हिस्से को सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है किरीट। किरीट क्या होता है, सूरज का जो बाह्य हिस्सा है जहां से एक्स किरणें निकलती है। कौन सी किरणें निकलती है दोस्तों, एक्स किरणें निकलती है जब सूर्य ग्रहण होता है, उस समय निकलती है, उस बाहरी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, किरीट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, किरीट क्या होता है आप लोग लिख सकते हो, यहां एक्स किरण उत्सर्जित करने वाले बाह्य हिस्सा है जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो किरीट क्या है, एक्स किरण उत्सर्जित करने वाला सूर्य का बाह्य हिस्सा जो सिर्फ और सिर्फ कब दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता। और फ्राउनहोफर रेखाएं क्या होती है, इनकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ये काली रेखाएं होती है जिन्हें सूर्य की सतह पर देखा जाता है, ये काली कलर की रेखा, काली काली रेखाएं होती है सूर्य की सतह पर देखा जाता है, इसे फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, वर्णमंडल की हम बात करें, वर्णमंडल क्या होता है, प्रकाश मंडल के किनारे, जो प्रकाश मंडल होता है, यहां से प्रकाश निकलता है, वहां पर प्रकाश मंडल के किनारे किनारे के हिस्से को हम वर्णमंडल भी कहते हैं, और जो कि वायुमंडल में प्रकाश का अवशोषण कर लेते, करने लेने की वजह से प्रकाशमान नहीं हो पाते, इनका रंग लाल होता है। ये जो वर्णमंडल है ये प्रकाश मंडल के वे किनारे हैं जो कि वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेने की वजह से प्रकाशमान नहीं हो पाते, मतलब कहीं कहीं पे सूरज के से प्रकाश नहीं उत्सर्जित हो पाता, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमंडल कहते हैं। अब सौर पवन क्या होती है भाई, सूरज के अंदर से प्रोटॉन्स की धाराएं निकलती हैं, उन्हें हम सौर पवन कहते हैं। अब ध्रुवीय ज्योति को हम देख लेते हैं, ध्रुवीय ज्योति क्या होती है, उत्तर ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस ऑस्ट्रियस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियस वे नजारे हैं जो रोशनी की बरसात का आवास करवाते हैं, वे वायुमंडल एवं सौर पवनों के घर्षण से पैदा होती है, मतलब वायुमंडल में सौर पवनों के घर्षण से जो पैदा होती हैं उन्हें हम ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल में क्या होती है, जो सौर पवनों के आपस में जब घर्षण होता है तो वहां से क्या निकलती है भाई, ज्योति, ध्रुवीय ज्योति निकलती है, जो प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय ज्योति कहते हैं, सिंपल से। ठीक है,